1 million व्यूज पे आप एनीवेयर बिटवीन $100 टू $1,000 कमा सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं पैसे कमाने की, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ जनरल कन्वेंशनल बिजनेस को जो हमारे अभी ट्रेडिशनल बिजनेस हैं उनको हम डिजिटाइज कर रहे हैं तो हम उनसे भी पैसे कमा सकते हैं, मगर उससे पहले एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया इंटरनेट पे, जो कि हम कंटेंट बिजनेस का है। जो एडवर्टाइजर है वो उनको पे करता है जिनके पास ट्रैफिक होती है। अब अगर आप ये समझ जाएं कि लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं और आप उस तरह का कंटेंट लिखना शुरू करेंगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगी, ट्रैफिक मिलेगी तो एडवर्टाइजर खुद चल के आएगा आपके पास और ये पूरा इकोसिस्टम बन जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजर को ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस को अच्छा कंटेंट चाहिए और अगर आप वो कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप वो करते हैं। अब उसमें कंटेंट की टाइप्स भी फर्क हो सकती हैं, कुछ वीडियो कंटेंट बन सकता है, उसमें टेक्स्ट कंटेंट है, फोटोज हैं, फोटोग्राफी है, इलस्ट्रेशंस हैं, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो इंफोग्राफिक्स बनाते हैं, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। कोई भी चीज़ जो कि वायरल जा सकती है और आप समझते हैं कि उसकी ऑडियंस है, इज एन अपॉर्चुनिटी। सबसे आसान फास्टेस्ट वे टू मेक मनी थ्रू योर कंटेंट वो ये है कि आप गूगल का एक प्रोग्राम है उसका नाम है गूगल एडसेंस। सो मुख्तसरन ये है कि आप अगर आपने एडसेंस अप्लाई करना है तो आपकी एक ब्लॉग होनी चाहिए या आपका एक डिजिटल एसेट होना चाहिए या अपनी डोमेन के साथ आपका वेबसाइट होनी चाहिए। उस पर आप जब कॉन्टेंट डालेंगे एक सर्टन टाइम के बाद एक सर्टन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक यानी रेगुलर कंसिस्टेंट कुछ 100 या कुछ 1,000 लोग आना शुरू हो जाए आपकी वेबसाइट पे, तो फिर आप google.com/adsense पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और वो आपकी ट्रैफिक के मुताबिक आपको उसके मुताबिक पे आउट मिलना शुरू हो जाएगा। और इस वक्त ऑन एवरेज अगर आप देखना चाहें, बहुत रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, तकरीबन 1 million व्यूज पे आप एनीवेयर बिटवीन $100 टू $1,000 कमा सकते हैं। $1 million सवाल है ये वैसे, बट इसका बड़ा सिंपल सा आसान तरीका साइंटिफिक आंसर ये है कि गूगल के कुछ फ्री टूल्स हैं और थर्ड पार्टी टूल्स हैं जो आप यूज करें। फॉर एग्जांपल गूगल ट्रेंड्स एक टूल है, वहां जाके आप देख सकते हैं कि लोग दुनिया में क्या चीज मांग रहे हैं या सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज हमें पता है कि आज लोग अगले कुछ महीने गिफ्ट्स पे ज्यादा सर्च करेंगे बिकॉज हॉलीडे सीजन आ रहा है, तो आपको आज आपको ये 6 महीने पहले से रिसर्च करनी है और उसके मुताबिक कॉन्टेंट अभी से क्रिएट करना है ताकि आप सर्च इंजन्स की रैंकिंग में आ जाएं। जब रिजल्ट पेजेस में आएंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आएगी तो फिर आप उसको कर। सो इस साइंटिफिक होना चाहिए, परसेप्शन बेस्ड नहीं, इस साइंटिफिक डेटा जो कि आपको बताएगा लोग क्या पढ़ रहे हैं और सर्च कर रहे हैं उसके मुताबिक अगर आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपका पाथ टू सक्सेस शॉर्टन हो जाता है।